हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये जीवन परिचय मैंने एकदम सरल तरीके से अपनी भाषा में लिखा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम एक मॉडल पेपर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक मॉडल पेपर है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा खंड जो देख रहे हैं, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से 2+1 यानी कि आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। यदि आप जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको केवल 2 नंबर मिलेंगे, और उनकी एक रचना का भी नाम लिख देंगे तो इस प्रकार से 2+1 आपको 3 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 कवि के नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जीवन परिचय याद कर लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं इनका जीवन परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद में ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक है, और उसमें आगे ब्लू पेन से लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी, या आप विक्रमी संवत लिख सकते हैं, विक्रमी संवत 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। यानी कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। और आगे लिखना है, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जन्म स्थान में भी कुछ मतभेद है, जो कि विद्वान इनके जन्म स्थान को दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं, ठीक है। और आगे लिखना है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, रामदास सारस्वत था, ठीक है। सूरदास जन्मांध थे, यानी कि इनको सूरदास जी को कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूरदास जन्मांध थे, ठीक है। इस विषय में भी विद्वानों ने मतभेद है, यानी कि इस विषय में भी विद्वानों को मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से विद्वानों को इसमें भी मतभेद है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, यानी कि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, ठीक है। और आगे लिखना है, जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है, यानी कि आप खुद अनुमान लगा सकते हैं जब ये जन्मांध थे तो इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का किस प्रकार से वर्णन किया है, यानी कि जो आंखों से देखे बिना भी संभव नहीं है वह भी इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, यानी कि सूरदास की जो रुचि थी बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। और आगे लिखना है, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनसे केवल भक्ति का एक पद सुना था, ठीक है, और इनको अपना शिष्य बना लिया था, ठीक है। और आगे लिखना है, और श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया, यानी कि इसके बाद इन्होंने श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। और आगे लिखना है, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि इन्होंने जो कवियों का संगठन बनाया था, ठीक है, उसमें से सूरदास जी इसके श्रेष्ठ कवि थे। और आगे लिखना है, वे गाँव घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, यानी कि जो सूरदास थे वे गाँव घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। और आगे लिखना है, सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी, या लिख सकते हैं विक्रमी संवत 1640 में गोवर्धन के पास परसोली नामक गांव में हुई, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसोली नामक गांव में हुई थी, ठीक है। और आगे लिखनी है इनकी रचनाएं, ठीक है, इस प्रकार से आप ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे, या लिख सकते हैं कृतियां, ठीक है, आप रचनाएं भी लिख सकते हैं और कृतियां भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक कृति लिखनी है, चाहे तो आप एक से अधिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 कृतियों के नाम लिखे हैं, देखिए इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं,
सोर सागर, ठीक है, और इनकी जो दूसरी कृति है सोर सारावली, ठीक है, और इनकी तीसरी कृति है साहित्य लहरी, ठीक है। इस प्रकार से ये तीन कृति हैं आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं कंप्लीट हुई। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।